वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तानी विकेट कीपर ज़ुल्करनैन हैदर के सवाल जवाब अभी कम होने में नहीं आ रहे। अभी नया इंकशाफ, फेसबुक पर नया पैगाम उन्होंने दिया है कि 5 रोज़ के अंदर बताएंगे किस किसने कितने पैसे लिए। एक बार फिर सनसनी फैल गई है कि अगर उन्होंने पता नहीं किन किन खिलाड़ियों के वो नाम लेंगे और शायद कौन से ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जो वाकई स्पॉट फिक्सिंग के अंदर मुलविस रहे हैं। क्या होने जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, कहीं वो दूसरे लोगों के हाथों में खेल तो नहीं रहे? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुमताज स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब मंसूर अली खान साहब ने, उनसे पूछते हैं कि ज़ुल्करनैन हैदर के इस बयान की क्या वजूहत हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी अस्सलाम। मंसूर साहब बताइएगा, ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? मंसूर, जो बयान ज़ुल्करनैन के सामने आ रहे हैं मुसलसल, आपने देखा यह कि वो जब भी गए हैं यूके में वो खामोशी इख्तियार नहीं कर रहे, हर रोज कोई ना कोई नया इंकशाफ, कोई नया बयान सामने आता है। अभी भी फेसबुक पर जो उनका पैगाम सामने आया है, आप क्या समझ रहे हैं किन वजूहत की बिना पर उन्होंने बयान दिया? देखिए मुबीन, इसमें दो थ्योरीज हैं उनके इस बयान के पीछे। एक थ्योरी तो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं इंग्लैंड के अंदर और अपने इमिग्रेशन के केस को मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, मजीद उसको मजबूत बनाना चाह रहे हैं और वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि चंद लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, चंद लोग उनके पीछे पड़े हैं। और उसके बाद जब वो वहां पे लैंड किए थे तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से लैंड होते साथ ही तो उनको होटल वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद उनको कहा गया कि आपको जो है ये होटल खाली करना पड़ेगा, तो वो अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो अपने उस केस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हो सकता है कि मैं ये थ्योरी कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी राय नहीं है जी जी, लेकिन एक थ्योरी है कि हो सकता है कि वो अब दोबारा वही एलिमेंट उसको आगे लेकर आ रहे हो कि अपने उस इमिग्रेशन के केस को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। लेकिन मेरी कुछ इमिग्रेशन लॉयर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर तो ज़ुल्करनैन ये समझ रहे हैं कि किसी डर की बुनियाद के ऊपर उनको इमिग्रेशन मिल जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूके का लॉ जो है वो सिर्फ किसी को डर के ऊपर इमिग्रेशन या सिटीजनशिप नहीं दे सकता। अगर इस तरह की बात हो तो यहाँ पर तकरीबन 10-15 करोड़ लोग जो है वो उठ के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी नंबर 2 जो है वो ये कहती है कि असल में उनको धमकियां दी गई, असल में एक ग्रुप है जो कि ज़ुल्करनैन को टीम में नहीं देखना चाहता था और इस तरह का सिलसिला वहां से शुरू है। यहाँ पर कामरान अकमल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं इंटरव्यू यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, ये ईद के ऊपर एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ज़ुल्करनैन हैदर जो कुछ भी कर रहे हैं वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जबकि हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने कामरान अकमल का आज तक कभी भी नाम नहीं लिया। और इंग्लैंड में लैंड होते साथ ही 24 घंटे के बाद मेरी ज़ुल्करनैन हैदर से फोन पे बात हुई थी, बड़े परेशान लग रहे थे, बड़े थके हुए लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ज़हनी तौर पे बड़ी थकावट का शिकार हुए हो। तो 5 दिन के बाद क्या होता है, क्या ये थ्योरी नंबर 1 सपोर्ट होती है या थ्योरी नंबर 2 सपोर्ट होती है, इसके लिए आपको और हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये मंसूर साहब आपने बड़ी अहम बात की है कि वाकई जो मुख्तलिफ 2 थ्योरीज चल रही हैं इसमें कोई शक नहीं, यही ज्यादा मीडिया में भी डिस्कस हो रही है, तो ये बताइएगा कि क्या ये तीसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि रद्देअमल है उनका ये बयान कि जिसमें शाहिद अफरीदी ने भी, वकार यूनुस ने, इवन तमाम खिलाड़ियों ने, इंतखाब आलम ने भी कहा जो टीम मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, कि उन्होंने कहा कि ये तो पागलपन है, ये यानी अनोखा वाकया है इस किस्म का, ये हरकत समझ नहीं आती, साइको केस है। तो ज़ुल्करनैन के हवाले जब इस किस्म के बयान वहां आ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने रिएक्शन में ये बात की है कि मैं खिलाड़ियों के नाम लूंगा किसने कितने पैसे लिए। देखिए किसी का नाम लेने से कभी भी कुछ नहीं हो सकता, अगर आप ये कहें कि कोई खिलाड़ी किसी को कह दे कि उसने इतने पैसे लिए और इतने उसने मैच हार गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इसी बेस के ऊपर देखें तो यासिर हमीद का एक इंटरव्यू न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने सीक्रेट तरीके से, खुफिया तरीके से किया था और उसके अंदर तो उन्होंने नाम ले लेके बताए थे लोगों के बारे में कि ऑस्ट्रेलियन टूर के अंदर इतने, इस आदमी ने उतने पैसे लिए, उस आदमी ने इतने पैसे लिए, लेकिन किसी की इस बात के ऊपर किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये जानते हैं जितनी देर से कम अज कम मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं और इन खिलाड़ियों को मैं जानता हूं, ये सब जब भी कोई एक दूसरे के खिलाफ होता है, खासतौर पर यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक विकेट कीपर दूसरे विकेट कीपर की कितना खिलाफ होगा, क्योंकि टीम में जगह सिर्फ एक विकेट कीपर की है, तो वो बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं। हमारे साथ वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बैठते हैं कई खिलाड़ी, तो वो एक दूसरे के बारे में वैसे ही इतना कुछ बुरा भला कह रहे होते हैं कि उसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन उसको किसी सब्सटैंशियल एविडेंस के साथ सपोर्ट करना ये किसी के पास भी नहीं होता। बयानात की हद तक अगर बात है तो उससे मेरा नहीं ख्याल के कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, अकबर ब्रदर्स का आपने जिक्र किया, तो जाहिर जब फौरी तौर पर उनका तीसरा भाई भी टीम का हिस्सा बन गया तो बड़े सवालिया निशान उठेंगे, क्या वाकई अकबर ब्रदर्स का इतना बड़ा माफिया है कि 3 खिलाड़ी व्यक्तिगत पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हो? ये क्या दिलचस्प तरीके का है कि 11 बंदों की टीम है उसमें 3 खिलाड़ी एक ही फैमिली से? देखिए मुबीन, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा कि अभी पिछले दिनों ही एक और स्कैंडल कामरान अकमल के सिलसिले में सामने आया था कि कामरान अकमल के साथ भी मजहर मजीद के ताल्लुकात थे। हमारी सोर्सेज ये बताती हैं कि आईसीसी के साथ, आईसीसी कामरान अकमल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है और इस सिलसिले में 2020 वर्ल्ड कप के दौरान मजहर मजीद ने चंद मशकूक किस्म के SMS कामरान अकमल को भी भेजे हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कि कामरान अकमल जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है और उनको चिट मिल चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी से इन
खिलाड़ियों को पीछे कर चुका है। और मैं आपको यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ी खबर मिल सकती है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ सकती है, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि अब ये जो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का दायराकार है, ये एक बहुत बड़ा जिन बन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने आके खड़े होने वाला है। बड़ी खबर क्या पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से या कुछ खिलाड़ियों के हवाले से हो सकती है? जी मुबीन, हमारे जरा ये कहते हैं कि चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में मजीद इंकशाफात हो सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला है, जिस तरह आपने ये अकबर बरादरान की बात की, इस सिलसिले में काफी पेशरफ हो सकती है। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 6 जनवरी को दोहा के अंदर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के सिलसिले में हियरिंग होने जा रही है ICC की, और एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल जो है उनकी हियरिंग करेगा। उससे पहले या उसके आसपास हो सकता है कि मीडिया के अंदर चंद ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ सके। अच्छा, आपने जो 3 खिलाड़ियों का जिक्र किया, ये मामला बहुत ज्यादा लिंगर ऑन कर रही है ICC, गैर जरूरी डिले है। अब 6 जनवरी पे ये बात चली गई है बहुत आगे, और जब वर्ल्ड कप में फिर 1 महीना बाकी रह जाएगा, तो ये भी कहा जा रहा है शायद ICC इनके खिलाफ ही फैसला देगा, ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और शायद तमाम दुनिया के क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बना दी जाए। इस बात का किस हद तक इम्कान है? देखिए, हमारी जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक इंपॉर्टेंट अहदेदार थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ICC इसको डिले करना चाहता है, जबकि हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि एक्चुअली ये तीनों खिलाड़ी खुद भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते ये हैं कि पहले उनको स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से एक क्लियर चिट मिल जाए। अगर स्कॉटलैंड यार्ड उनको क्लियर कर देता है तो ICC का केस ऑटोमेटिकली बहुत हद तक वीक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ ICC भी बड़ा इस बारे में होशियार है और बड़ा ध्यान से हर कदम रख रहा है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर ICC इन तीनों खिलाड़ियों को गिल्टी करार दे देता है और वहां से स्पॉट फिक्सिंग के सिलसिले में या चीटिंग या गैम्बलिंग के सिलसिले में स्कॉटलैंड यार्ड उनको क्लियर कर देता है, तो ICC की पोजीशन बहुत हद तक खराब हो जाती है कि आपने किस बेसिस के ऊपर इन तीनों खिलाड़ियों को सजा दे दी। तो दोनों पार्टियां अपनी नजरें जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ रखे हुए हैं, और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड के जो जिस बुनियाद के ऊपर इन तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ कोई केस करने जा रहा है, वो तकरीबन कोई 104 साल पुराना लॉ है बरतानिया का, जो कि चीटिंग से मुतल्लिक है। स्पॉट फिक्सिंग से मुतल्लिक इनके पास अभी भी कुछ नहीं है। अगर तो वहां से इन तीनों खिलाड़ियों को सजा नहीं होती और ये छूट जाते हैं, तो ICC में भी इनका केस काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आपने कुछ बड़े खिलाड़ियों के हवाले से बात की कि उनके शायद नाम सामने आ सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो पाकिस्तान क्रिकेट की मुखालिफ फोर्सेज हैं, जिसमें लोग इंडिया का भी नाम लेते हैं, वो भी जुल्कर्नैन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ब्राइब करके, और उसको कुछ लालच देके कि शायद उसको नेशनलिटी दे देंगे या कुछ और चीजों में हम उनका ताउन करेंगे, तो उससे उन लोगों के हाथों कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा जुल्कर्नैन? देखिए, मेरी मुबीन एक आदत है कि मैं कभी भी किसी भी शख्स के खिलाफ या कभी भी किसी शख्स के बारे में कोई राय बगैर किसी सबूत के नहीं दे सकता। जुल्कर्नैन हैदर अगर यहाँ पे होते, उनके कॉल रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता था, इसके अलावा वैसे उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती थी, तब कुछ हद तक बात वाजे हो सकते, लेकिन यहाँ से ऑलरेडी इंग्लैंड इतना दूर है, जुल्कर्नैन हैदर हम सबसे इतने दूर बैठे हैं, और बात है कि जब वो पाकिस्तान में होते थे तो मीडिया के हर शख्स के साथ उनका इतना रब्ता होता था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, चाहे वो याहू हो, चाहे MSN हो, चाहे स्काइप हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे SMS हो, हर तरीके से जुल्कर्नैन हैदर मीडिया के साथ बड़े लिंक रहते थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा शायद कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मीडिया के साथ इस हद तक इन्वॉल्व नहीं होता था जितना जुल्कर्नैन हैदर होता है। लेकिन इंग्लैंड जाके वो मेरे ख्याल में हर हफ्ते 10 दिन के बाद एक ना एक फिलर जिसे कहते हैं वो जरूर फेंकते हैं, लेकिन एज सच उनके बारे में ये कहना कि वो किसी भारतीय लॉबी का हिस्सा है या वो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। मैं सही तो ये बताएंगे, जो धमकी अमेज फोन तो उनको मिले हैं, उन्होंने नाम मालूम अफराद का FIR भी करवा दी है, उनके भाइयों ने लाहौर में जो उनकी रहाइश का है वहां पे भी सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है, तो बहरहाल धमकियां तो उनको मिल रही है। देखिए, धमकियां भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात आती है कि इसमें भी 2 थ्योरीज हैं, क्या पता अगर उन्हीं के शायद कोई शख्स मिला हो और वही इमिग्रेशन का केस है। मैं दोबारा वही थ्योरीज की बात कर रहा हूं, मैं कोई डेफिनेट बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर थ्योरीज के बात ही हम बात करें तो किसी से फोन करवा देना भी एक ये थ्योरी भी हो सकती है, और हो ये भी हो सकता है कि बाकी उनको फोन आया। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हो सकता है उनको वो फोन यूनान से कहीं से आया, यूनान से कोई मैच फिक्सिंग के सिलसिले में जुल्कर्नैन की फैमिली को फोन करे, बड़ा मुश्किल सा केस लगता है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। जी हाँ, बाकी बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है ये मामला, तो आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इंटरफेरेंस करना चाहिए, मामले को टेकअप करना चाहिए, हाँ, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के वकील हैं या कोई और शख्स जुल्कर्नैन से जाके मिले, कोई एक ही दफा उनसे सारी बातें उगलवा ली जाए। मुबीना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे उठाया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारे केस में क्या कर रहा है। सलमान बट और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का केस भी जब इंग्लैंड में सामने आया था, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने जब वो खबर ब्रेक की थी, उसके बाद सब लोग वहां पे अवेलेबल थे, वो खिलाड़ी कैमरे के सामने नजर आते थे, तफजुल रिजवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉयर हैं वो नजर आते थे।
थे, एक शख्स जिसका सबको इंतजार था, एक शख्स जिससे सब बात करना चाहते थे, वो शख्स हमें कहीं नहीं नजर आ रहा था, और वो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट। एजाज भट्ट बिल्कुल बिहाइंड द सीन चले जाते हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट या प्रेशर सिचुएशन आती है वो फेस नहीं करते, फ्रंट फुट पे आगे नहीं खेलते, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब दुलकरनैन का केस सामने आया है, जब वो जैसे ही एयरपोर्ट से वापस आए थे, चाइना से वापस आए, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, तो उन्होंने यही कहा कि दुलकरनैन ने बेवकूफी कर दी, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करना चाहिए था। ये टोटल जुमले उन्होंने दुलकरनैन हैदर के बारे में बोले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंपॉर्टेंट तरीका था या ये सही तरीका था बात करने का। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ सामने रखना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो कुछ वो कर रहे हैं, और मेरी जो इतलात है, जो मेरे सोर्सेज मुझे ये बात बताते हैं, वो ये है कि स्पॉट फिक्सिंग के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कुछ जानता है। इस वक्त जो मीडिया में जो कुछ बातें हैं या पब्लिक में जो कुछ है, उससे कम अज कम 80 से 90% ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानता है, लेकिन इसके बावजूद एक्शन नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, ये सवाल का निशान है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बताइएगा कि जब इतनी ज्यादा खबरें स्पॉट फिक्सिंग, जुल्करनैन और जो सारी हमारी सूरत हाल है, उस तमाम खबरों के अंदर वर्ल्ड कप जो आ रहा है, क्या इम्कान देख रहे हैं पाकिस्तान के उसमें? देखिए, ये आपको जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि इस हेयरिंग के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, और इसके अलावा अगर आने वाले 15-20 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोई बहुत बड़ा धचका आ गया, तो डेफिनेटली अगले साल वर्ल्ड कप जो कि मार्च में होना है भारत में, श्रीलंका और बांग्लादेश में, उस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों के सिलसिले में बहुत बड़ा धचका लग सकता है। लेकिन साथ ही साथ शायद ये वही धचका है जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। मलिक तयूम रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, कई खिलाड़ियों को वहां पर उनके नाम सामने आए, जिनमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, सलीम मलिक, अताउर रहमान, ये सब नाम सामने आए, लेकिन उनको जुर्माने कर करके छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हुआ, उसके बाद इंक्वायरी कमेटीज बैठी, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, इन तमाम खिलाड़ियों को सजाएं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ एक एक करके सबको वही सजाएं खत्म हो गई। तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि शायद उनको 440 वोट के उस झटके की बड़ी अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। जनाब मुमताज स्पोर्ट्स एनालिस्ट मंसूर अली खान हमारे टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त 440 वोल्ट के एक धचके की जरूरत है वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को, और यकीन नाजन ये वही बात है जो पिछले 14 साल से मुसलसल दोहराई जा रही है। मलिक कयूम रिपोर्ट के अंदर भी उस वक्त की बात कही जा रही थी कि अगर वसीम अकरम को उस वक्त सजा दे दी जाती, वकार यूनुस को मिसाल दे दी जाती, तो लोगों को पता लग जाता कि यहाँ कोई भी स्टार खिलाड़ी नहीं है, जो भी क्रिकेट बोर्ड से आगे जाने की कोशिश करेगा या क्रिकेट के मामला तो खराब करने की कोशिश करेगा, उसके साथ वही सलूक होगा जो कि किसी एक आम खिलाड़ी के साथ होता है। लेकिन हमने चूँकि नाजन उस वक्त भी इनको माफ़ कर दिया, और आज भी हमारा रवैया यही है, यही वजह है कि अभी मामला इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। आज भी स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से जो 3 खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला होना है, उसमें भी आईसीसी का रवैया यही है कि वो इस मामले को मजीद लिंगर ऑन करना चाहता है। लेकिन आज अफसोसनाक बात यह है इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि अब जबकि वर्ल्ड कप हमारे सामने है, सिर्फ 2 महीने का वक्त बाकी रह गया है, उसमें हमारी तैयारियाँ क्या हैं, कि हम इसी अंदाज के अंदर वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रहे हैं कि एक तरफ स्पॉट फिक्सिंग की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जुल्करनैन हैदर आए रोज नए लोगों के नाम लेते रहेंगे, इंकशाफात करते रहेंगे, असल में मामला क्या है? ये मामला इतना सादा यकीनन नहीं है, लेकिन जितना इसको पेचीदा बना दिया गया उसको उसी आसानी से हल भी किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ नीयत की है, और जब तक हम उस नीयत का आगाज़ नहीं करेंगे और उसके हवाले से नहीं सोचेंगे, मसला हल नहीं हो सकता। बस यही था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह कल फिर किसी नए मौजूद से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।